रुख करते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की तरफ, जहां आज हम जानेंगे कि किस तरह मैनेजमेंट के क्षेत्रों में आगे आकर देश की तरक्की में अपना योगदान दे रही हैं युवा लड़कियां। पिछले एक दशक में भारत में बढ़ते कॉर्पोरेट कल्चर और ग्लोबलाइजेशन के बाद आईटी से लेकर एचआर, मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस जैसे फील्ड्स में ट्रेंड प्रोफेशनल्स की मांग में खासा इजाफा देखा गया है। और अब मैनेजमेंट के सभी क्षेत्रों में लड़कियों की बेहतरीन परफॉर्मेंस और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मिल रहे अवसरों के चलते आज बड़ी तादाद में मैनेजमेंट को बतौर करियर ऑप्ट कर रही हैं युवा लड़कियां। मैनेजमेंट स्टडीज सभी जानते हैं काफ़ी अच्छी फील्ड है, बहुत ही एवरग्रीन है और दिन ब दिन उसका और भी बढ़ते जा रहा है। बल्कि आजकल तो इंजीनियरिंग करके भी लोग मैनेजमेंट की ओर आते हैं क्योंकि मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। कॉर्पोरेट जगत के बदलते सिनेरियो के बीच आज बेहद जरूरी माना जा रहा है इंडस्ट्री के लिए ट्रेन प्रोफेशनल्स को तैयार करना, और इसी जरूरत को समझते हुए आज मैनेजमेंट शिक्षा में लड़कियों को बढ़ावा देने की दिशा में शिक्षा जगत द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें स्कॉलरशिप और गर्ल्स कॉलेज जैसी सुविधाएं इन क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा के आड़े आने वाली प्रॉब्लम्स को काफी हद तक दूर करती हैं। जहाँ तक विमेन इन्वॉल्व हैं, उसके लिए एक तो गवर्नमेंट पॉलिसीज उनको इनकरेज करने के लिए कई आ रही हैं, तो वो भी विमेन को अगर मालूम हो तो दे कैन डू अ बेटर जॉब। दूसरे हमने ये देखा है कि कई बार एक को एजुकेशनल क्लास के अंदर जो लड़कियां थोड़े ऐसी जगहों से या ऐसे घरों से ऐसे शहरों से आई हुई हों जहां पे शायद उनको इतना ही ज़्यादा इंकरेजमेंट ना मिली हो, वो कई बार उस क्लास में आगे बोलने में अपने आप को आगे लाने में हेजिटेट कर जाती हैं। उन पर कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन दी जाए, उनको स्पेशलाइज कोर्सेज पढ़ाए जाएँ ताकि कल को जाके वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहें या कुछ भी करना चाहें उनको स्पेशली वहाँ पर हेल्प हो। और उनके लिए हमने 40% स्कॉलरशिप भी रखी हुई है लड़कियों के लिए, क्योंकि हमें ये महसूस हो रहा है कि कई बार वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी नहीं पढ़ पाती हैं। उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छे करेंगे इन द सोसाइटी, इन द सोशल वर्क, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट सेक्टर ऑल्सो, बिकॉज देर इज वेरी वेरी सिंसियर टूअर्ड द वर्क। दे आर गिवन उनको कोई असाइनमेंट मिलता है, दे डू इट प्रॉपरली सिंसियरली एंड दे आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट फॉर एनी टाइप ऑफ जॉब। टू प्रिपेयर द वीमेन फॉर थ्रू दिस स्पेशल प्रोग्राम्स ऑफ वुमेन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट फॉर वुमेन इज टू गिव देम मोर एक्सपोजर एंड मेक देम मोर एंड मोर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स नाउडेज। मैनेजमेंट का क्षेत्र लड़कियों के लिए सिर्फ जॉब तक ही सीमित नहीं, बल्कि अगर मौका मिले तो बतौर एंटरप्रेन्योर भी वो खुद को साबित कर सकती हैं। और इसी सोच के साथ आज मैनेजमेंट के इन कोर्सेज के दौरान ग्रूमिंग सेशंस और इंडस्ट्री एक्सपोजर जैसी बातों पर खासा जोर दिया जाता है, जो मदद करता है एक कंप्लीट पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में। देश की जो लड़कियां हैं वो आगे आएं, वो बोर्ड रूम में बैठें और वो भी वही तरह का काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें जैसे कि आज के जो मैन लोग संभाल रहे हैं, और वो भी उद्यमी बने, एंटरप्रेन्योर्स बने। तो हमने एक PGDM का प्रोग्राम शुरू किया है फॉर वुमेन, जिसका मेन उद्देश्य है लड़कियों को एंटरप्रेन्योर बनाना, उनको पढ़ा करके कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स की तरफ बढ़ाना। मैनेजर बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप एक लीडर लगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग कई गेस्ट लेक्चर्स बुलाते हैं एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड फ्यू लर्निंग सेशन लाइक यू नो कम्युनिकेशन ऑन सॉफ्ट स्किल्स। वी ऑल्सो कंडक्ट फ्यू MDPs, यू नो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन यू नो नेगोशिएशंस, सेलिंग स्किल्स वी जस्ट कंडक्टेड। पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए हमारा डेवलपमेंट क्लास होता था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस। इसके अलावा एवरी डे शाम में 3:30 से 4:30 बजे तक हम लोग के लिए क्लासेस रहते हैं, विच इज़ लैब लाइब्रेरी पीरियड, प्रेजेंटेशंस होते हैं उस टाइम में, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग। वो सिर्फ आपको बोलने की प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको कैसे अपने आपको प्रेजेंट करना है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो करवाते हैं। फिलहाल मैनेजमेंट शिक्षा में लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयास ही आने वाले दिनों में तय करेंगे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा को, जिसमें एक अहम भूमिका होगी इसका हिस्सा बनने की तैयारी कर रही इन युवा लड़कियों की।